देन और एक चीज आती है, सिलोम और बॉडी कैविटी। क्या आती है? सिलोम और बॉडी कैविटी। अच्छा, अब सिलोम और बॉडी कैविटी क्या है? ए कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। अगर मैं क्या करो, खुद को ऐसे काट दूं, यहाँ पर एक काट दे दूं, ठीक है, टेंस वास ली। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं ना, ये मान लीजिए मैं हूं, और यहाँ पर काट दूं टेंस वास ली, और ऊपर से देखू, ऐसे ऊपर से काट को, तो कैसा लगेगा? ऐसा 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 आएगा नजरिया। ठीक है ना, आएगा। अब ये है बॉडी वॉल। ये क्या है? बॉडी वॉल। ये बॉडी वॉल है। और गांठ वॉल यानी ये मान लीजिए ये मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी काटा है ना कन्वर्सली। ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, और ये जो वॉल्स है और ये बॉडी वॉल्स है, ये गांठ वाले और ये बॉडी वाले है, इनके बीच जो स्पेस रह गया है, इसको कहा जाता है बॉडी कैविटी और सिलोम। क्या कहा जाता है? बॉडी कैविटी और सिलोम। अब जिनमें ये बॉडी कैविटी रहता है, इनको कहा जाता है सिलोमेट। क्या कहा जाता है? ये देखिए, ये इसमें ये जो मेसोडर्म है, ये डिवाइड होके बीच में एक गैप छोड़ देता है, जिसको कहा जाता है सिलोम। जो और ये है सीडो सिलोमेट, मतलब बीच में पूरा गैप नहीं रहता है, कुछ कुछ जगह में सेल्स, लेयर ऑफ सेल्स रह जाते हैं, और ए सिलोमेट मतलब कोई भी गैप नहीं रहता है इसे। ठीक है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्लासिफिकेशन। सिलोम है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्लासिफिकेशन। और सिलोम है या नहीं है, सीडो सिलोमेट है या फिर ए सिलोमेट है या फिर सिलोमेट है, इनके इनको बेस करके भी क्लासिफाई किया गया है, जो हमने पहले देखा था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। द बॉडी कैविटी, बॉडी में जो कैविटी रहता है, व्हिच इज लाइन बाय क्या? मेसोडर्म। एक्टोडर्म तो नहीं किया, मेसोडर्म। ये देखिए, व्हिच इज लाइन बाय क्या? मेसोडर्म। ये मेसोडर्म है ना, व्हिच इज लाइन, ये बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइन, इस तरफ भी मेसोडर्म है और इस तरफ भी मेसोडर्म है, ठीक है ना। तो द बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। एनिमल पोजेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट। जितने भी एनिमल जिनमें सिलोम रहता है, बॉडी कैविटी रहता है, उनको कहा जाता है सिलोमेट। जिनमें नहीं रहता है, उनको कहा जाता है ए सिलोमेट। और जिनमें फॉल सिलोम रहता है, उनको कहा जाता है स्यूडो सिलोमेट। तो इन सारों में क्या क्या रहता है? ये सारे सिलोमेट है, सिलोम रहता है इन सारों में। यानी यार तो बड़ा मरस का है, कहीं नडर मटा हेमी कोडरा कोडरा, इन सारों में क्या रहता है? सिलोम, सिलोम रहता है, सिलोमेट है। देन स्यूडो सिलोमेट। अब स्यूडो सिलोमेट यानी बॉडी कैविटी इज नॉट बाय नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। एक्चुअली बीच में चेंज रहता है मेसोडर्म, बीच बीच में रहता है, मतलब कंप्लीट नहीं रहता है। इसलिए क्या? स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स, FALSE, फॉल्स, ट्रू नहीं है, ठीक है। एनिमल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोमेट्स, जिनमें स्यूडोसिलोम रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? स्यूडोसिलोमेट कहा जाता है। व्हेन मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। स्यूडोसिलोमेट में ये यहाँ पर पिक्चर देखिए, मेसोडर्म इज स्कैटर्ड बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म इज प्रेजेंट स्केटर्ड पाउचेस इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। कहाँ पर? स्यूडोसिलोमेट में। और स्यूडोसिलोमेट कहाँ पर मिलते हैं? सेलमेंटिस में। स्यूडोसिलोमेट कहाँ पर मिलते हैं? सेलमेंटिस में मिलते हैं, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट। देन क्या है आगे? ए सिलोमेट, जिनमें सिलेम रहता ही नहीं है, उनको कहा जाता है ए सिलोमेट। इन एनिमल्स, एनिमल्स इन व्हिच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जिनमें बॉडी कैविटी नहीं रहता है, उनको क्या कहा जाता है? ए सिलोमेट। एग्जाम्पल मेडिकल मेंटिस, ठीक है। मेटामॉरिज्म क्या है? अब मेटामॉरिज्म और एक टाल, अब मेटामॉरिज्म है, आपने देखा होगा कि लीच देखा है क्या आपने कभी? लीच नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूं आपको।
लीच का बॉडी कुछ ऐसा इस तरफ रहता है, इस तरह लीच का बॉडी कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। अब लीच का बॉडी क्या है, ऐसे ऐसे सेगमेंटेड रहता है, सेगमेंट इस तरह, ऐसे देखने में ऐसा लगता है कि ये मतलब अलग अलग सेगमेंट ज्वाइंट होके बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन जो ये इसको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। तो इनको का क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि मेटामॉरिज्म, ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी रहता है जिनमें, फॉर एग्जाम्पल आर्थवर्म द बॉडी शोज, हाँ आर्थवर्म में भी मिलते हैं, द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामरिक सेगमेंटेशन। इसको क्या कहा जाता है, मेटामरिक सेगमेंटेशन, एंड द फेनोमेनन इज नोन एज मेटामरिज्म। अब यह भी एक बेसिस है फॉर क्लासिफिकेशन करने का, ठीक है, कि किस में मेटामरिज्म है किस में मेटामरिज्म नहीं है। नोटोकॉर्ड और एक चीज है नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड। अब डॉर्सल साइड क्या है, ये है मेरा डोर्सल साइड, ये मेरा पीठ जो है, ये है मेरा डोर्सल साइड, और ये मेरा फ्रंट साइड क्या है, ये बुक साइड, ये है मेरा वेंट्रल साइड, ठीक है। अब डोर्सल फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। नोटोकॉर्ड कहाँ पर बनते हैं, डोर्सल साइड में, पीठ में, ठीक है। नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय में, और कहाँ से डिराइव होता है नोटोकॉर्ड, क्वेश्चन आएगी कि नोटोकॉर्ड डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म, नोटोकॉर्ड डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म, नोटोकॉर्ड डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म, नोटोकॉर्ड डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म। अच्छा, देन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड रहता है इनको कहा जाता है कॉर्डेट, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं रहता है उनको कहा जाता है नॉन कॉर्डेट। एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड आर नॉन कॉर्डेट। तो ओनली कॉर्डेट जो है, कॉर्डेट जो फाइलम कॉर्डेटा है उसमें क्या रहता है, नोटोकॉर्ड रहता है। फाइलम जो कॉर्डेट है उसमें नोटोकॉर्ड, और उसके पहले जितने भी फाइलम है, पॉलीफेरा, स्पॉन्जर, ध्यान सिलेंडर, और नेडर, ये टिनोफोरा, पेटियल, मिथिस, सेसल, मेंथिस, एनिलिटी, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकोनिडियम, बट इन सारों में नोटोकॉर्ड नहीं रहता है, इसलिए इनको कहा जाता है नॉन कॉर्डेट। क्या नॉन कॉर्डेट, ये सारे हैं नॉन कॉर्डेट, क्या है, नॉन कॉर्डेट, ठीक है।